यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन तारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय शिल प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय 17वां श्लोक। माइक लगा दीजिए ना, माइक 17th है ना, 18 होगा, 18 17 हो गया, 2, 5, 18। बहुत सुंदर श्लोक है, सब लोग इसका गुणगान करिए। सत्वम रजस्तम इति, सत्वम रजस्तम इति, सत्वम रजस्तम इति, निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, गुणास्य गुणास्त्रयः, निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, स्थिति सर्गम निरोधेषु, स्थिति सर्गम निरोधेषु, स्थिति सर्गम निरोधेषु, स्थिति सर्गम निरोधेषु, मायया गृहीता मायया विभो, गृहीता मायया विभो, गृहीता मायया विभो, गृहीता मायया विभो, सत्वं रजस्तम इति, सत्वं रजस्तम इति, निर्गुणस्य गुणत्रयः, निर्गुणस्य गुणत्रयः, स्थिति सर्ग निरोधेषु, स्थिति सर्ग निरोधेषु, गृहीता मायया विभो, गृहीता मायया विभो, सत्वं रजस्तम इति, सत्वं रजस्तम इति, निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, स्थिति सर्गम निरोधेषु, स्थिति सर्गम निरोधेषु, गृहीता मायया विभो, गृहीता मायया विभो। पढ़िए। सत्वं रजस्तम इति, सत्वं रजस्तम इति, निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, स्थिति सर्ग निरोधेषु शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिलेसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ सत्वम, सत्वगुण, सत्वगुण, रजः, रजः, रजोगुण, रजः, तमः, तमोगुण, इति, इति, ये सब, निर्गुणस्य, निर्गुणस्य, दिव्यके, गुणात्रयः, तीन गुण के, स्थिति, स्थिति, पालन, पालन, सर्ग, सर्ग, उत्पत्ति, उत्पत्ति, निरोधेषु, निरोधेषु, संहार में, संहार में, ग्रहीता, ग्रहीता, स्वीकृत, स्वीकृत, मायया, मायया, बहिरंगा शक्ति के द्वारा, बहिरंगा शक्ति के द्वारा, विभो, विभो, परमेश्वर की, परमेश्वर की। अनुवाद
परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य बहुत सुंदर, तात्पर्य सब लोग ध्यान से सुने। परमेश्वर उस बहिरंगा शक्ति के स्वामी हैं जो सत्व, रज तथा तमो इन तीन गुणों द्वारा व्यक्त होती है, और इस शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते। किंतु जीव ऐसे गुणों में या तो प्रभावित रहता है या उनकी इससे प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। श्री भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से श्री भगवान से एक है, किंतु जीव इन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही श्री भगवान से संबंधित होते हैं, लेकिन यह संबंध स्वामी तथा दास के संबंध जैसा होता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक हैं, किंतु सारे जीव भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। वे ना तो स्वामी हैं ना नियामक हैं, प्रत्युत न वे ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसके अधीन हो जाते हैं। वास्तव में श्री भगवान अपनी अंतरंगा या आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट होते रहते हैं जिस प्रकार स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उसकी किरण प्रकट होती है। लेकिन कभी कभी वे भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिस प्रकार सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है, जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़ों से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के धब्बे से अप्रभावित रहते हैं। जो कभी कभी श्री भगवान की ब्रह्म ज्योति के किरणों की असीम विस्तार में प्रकट हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत प्रति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन श्रीमद्भागवतम सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ उपस्थित भक्तवृंद एवं ऑनलाइन देखने वाले सभी भक्तवृंद का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हमें सौभाग्य मिला है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित इस श्रीमद्भागवतम का हम पाठ करें। श्रीमद्भागवतम एक ऐसा अमल पुराण है, एक ऐसा दिव्य पुराण है जिसमें हर जीवात्मा अपने आप के हर प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकता है, हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो नया है, वो सारे प्रॉब्लम्स पहले सभी जीवात्मा देख चुके हैं और उसी का सॉल्यूशन श्रीमद्भागवतम में दिया गया है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछे
कि जब कृष्ण धरातल को छोड़ के चले गए तब धर्म कहाँ और किसके शरण में आया? तो वे बोलते हैं कि जब कृष्ण इस धरातल को छोड़ के चले जाते हैं तब धर्म जो है श्रीमद्भागवतम का शरण लेता है। श्रीमद्भागवतम के शब्द ही धर्म है। स्वयं यमराज जो धर्म के न्याता है वो क्या बोलते हैं, धर्म क्या है, जो भगवान के वाक्य हैं वो धर्म है, जो भगवान के कार्य हैं वो धर्म है। तो ऐसे परम भगवान की कहानी आज हम सुनेंगे। आज हम सुनेंगे क्या कोई जीवात्मा भगवान बन सकता है, क्या भेद है जीवात्मा और भगवान के बीच में, क्या जीवात्मा भगवान के बराबर भी आ सकता है कभी, क्या भगवान कभी जीवात्मा के बीच में आ सकते हैं, ये जो प्रकृति बनी है ये कैसे बनी है। हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्रीमद् भगवान श्री परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने बोली। भगवद गीता में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हे तुनानेन कौन्तेय जगत अपरिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मया दक्षेण प्रकृति, क्या बोल रहे हैं, मया कौन बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं, मया अर्थात मैं कौन, कृष्ण, कृष्ण परम भगवान पूर्ण भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेण। तीन शब्द होते हैं, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है अध्यक्षता, तीसरा होता है अध्यक्षेण। तो पहला शब्द अध्यक्ष, अध्यक्ष शब्द का अर्थ है जो इंग्लिश में जैसे समझेंगे सुपरवाइजर, मुख्य अध्यक्ष जो होते हैं, जैसे सुपरवाइजर जो होते हैं, सुपरवाइजर तो जो मेन आदमी है, व्यक्ति जो है वो सुपरवाइजर है, उसको अध्यक्ष बोला जाता है। दूसरा होता है अध्यक्षता, अध्यक्षता मतलब उसके गाइडेंस में, मतलब उसके अंडर ये कार्य हो रहा है। और तीसरा यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अध्यक्षेण, अध्यक्षेण मतलब इस अध्यक्षेण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अध्यक्षेण का अर्थ होता है कि वो उसके भय से, भय इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसके भय से वो प्रेजेंट रहे ना रहे, उसके भय से कार्य हो रहा है, उसके उपस्थिति से कार्य हो रहा है, भय या प्रेम जो भी बोलेंगे, उनके अनुपस्थिति में उनके भय या प्रेम से कार्य हो रहा है, अध्यक्षेण, अध्यक्षेण। तो क्या बोला जा रहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति, क्या बोल रहे हैं कृष्ण, मेरी अध्यक्षता में, अध्यक्षता में कौन, प्रकृति, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, प्रकृति ही मतलब प्रकृति कार्य कर रही है, पर मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, क्या कार्य कर रही है, सूयते, सूयते के चार शब्द अर्थ बताते हैं, सूयते, सूयते का मुख्य अर्थ जो बताता है कि प्रकृति क्रियमाण है, मतलब अपने सारे कार्य कर रही है, सूयते में सारे आ जाते हैं, जितने भी कार्य है, अब एक एक कार्य को लिखने की जरूरत नहीं है, उसका मुख्य कार्य लिख दिया उन्होंने, जो हेडलाइन बोल सकते हैं वो मुख्य कार्य उन्होंने लिख दिए, क्या हेडलाइन है, सूयते स चराचर, च मतलब बोथ, सूयते मतलब कर रही है, बोथ दोनों कार्य कर रही है, क्या, चर अचर, चर अचर, चर मतलब लिविंग बींग्स, अचर मतलब नॉन लिविंग बींग्स। तो पूरे लाइन का अर्थ क्या हुआ, श्री शिलपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में यह प्रकृति क्या कर रही है, सूयते कार्य कर रही है, उसके अंडर में क्या कार्य हो रहे हैं, नॉन लिविंग बींग्स अन लिविंग बींग्स दोनों जो क्रिएचर हैं, है ना, वो कार्य कर रहे हैं, वो अपने जो भी उनका नियमित कार्य है उनकी अध्यक्षता में, उनके भय से उनकी अनुपस्थिति में कार्य हो रहा है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु न कौन्तेय, हेतु न अन्य न कौन्तेय,
क्या बोल रहे कृष्ण, इसका कोई और हेतु नहीं है, प्रकृति ऐसा नहीं है चीटिंग कर लेती है, अध्यक्ष चला जाएगा तो प्रकृति चीटिंग नहीं करती है, हेतु उसका कोई और हेतु नहीं है, प्रकृति का एकमात्र हेतु है क्या, कृष्ण की अपने मालिक की प्रसन्नता, हेतु ना अन्य ना कोई और अन्य हेतु नहीं है। कौन्तेय, कौन्तेय अर्थात कुंती के जो पुत्र है पांडव पुत्र, कौन अर्जुन को बोल रहे हैं, तो अर्जुन को क्या बता रहे हैं, प्रकृति का और कोई हेतु नहीं है, सिर्फ एकमात्र हेतु है अपने मालिक की प्रसन्नता, अपने मालिक का कार्य वो करते रहती है। हेतु नाने कौन्तेय जगत अपरिवर्तते, और इसी तरह जगत में कृष्ण न रहते हुए भी जगत क्या हो रहा है, चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें भगवान ये प्रकृति कैसे क्रियमाण होती है उसके बारे में बता रहे हैं ना। ये हम देख सकते हैं इतना सुंदर जो है प्रकृति है, इतने सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीवात्मा इतने सारे हैं, इतने सारे पशु पक्षी जीवात्मा सब हैं, और ये सब के सब सही समय पे सही जगह पे उड़ जाते हैं। हम देखते हैं प्रकृति की सुंदरता है ना, जो हम देख जैसे मुर्गा देखते हैं बिना अलार्म के सुबह उठ के बांध दे देता है, जैसे हम सूरज को देखते हैं बिना अलार्म के विदाउट फेल आता है, बारिश विदाउट फेल समय पे आ जाएगा है ना, हवा विदाउट फेल बहती रहती है पूरे प्रकृति में पूरे विश्व भर में, ऐसा नहीं है टेबल के नीचे हवा नहीं है या बेड के नीचे हवा नहीं है, है ना, हवा को बोला गया सब जगह बहना। ये प्रकृति के ये सारे क्या है, पार्ट्स है, प्रकृति के कार्य है, हवा पानी सूर्य ये सारे प्रकृति के देन है। प्रकृति हमें पानी कितना सुंदर रूप से देती है, साइंस ने उसका फॉर्मूला ढूंढ के निकाला, क्या है पानी का फॉर्मूला, H2O, दो मॉलिक्यूल नहीं दो एटम हाइड्रोजन के एक और एटम ऑक्सीजन का बन गया, दोनों मिला दो बन गया एक मॉलिक्यूल पानी का। साइंटिस्ट इतना जानते हैं, बनाओ पानी पिलाओ पानी सबको, बना पा रहे पानी पूरे साहिबाबाद रेंज में, कितना है इतना खारा पानी है, समरसेबल से भी इतना गंदा पानी आता है ना, इतना बेकार पानी आ रहा है, लोग कूलर सड़ रहे हैं वहाँ पे पानी से, जिधर भी पानी डाल रहे हैं उसके खारा पानी के कारण पूरा वो रस्ट हो जा रहा है। प्रकृति पानी दे रही है, प्रकृति यह पानी दे रही होती है ना, प्रकृति के बिना प्रकृति पे हम निर्भर नहीं रहेंगे, प्रकृति से हम वैर करेंगे तो क्या होगा, हमें ऐसे ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो प्रकृति यह सारे कार्य कर रही होती है, ये सारे कार्य किसके है, प्रकृति के हैं, और अध्यक्षेण कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही होती है। लोग सैटरडे संडे की छुट्टी के लिए कहाँ कहाँ घूमने चले जाते हैं है ना, जैसे ऋषिकेश, यहाँ से पास में ऋषिकेश है, मनाली है, और कहाँ कहाँ और कुछ नहीं, एकदम साउथ नॉर्थ इंडिया चले जाएंगे, साउथ इंडिया चले जाएंगे, पूरे देश भर में विदेशों में देश विदेश में इतनी सुंदर प्रकृति है, क्या क्या दृश्य नहीं देखते हैं, इतना सुंदर समुद्र, इतना सुंदर पेड़ पौधे, सूर्य सूर्योदय देखने के लिए सूर्यास्त देखते हैं, इतने सुंदर माउंटेन्स हैं, इतने सुंदर हिल्स हैं ना, माउंटेन हिल्स हैं, और कितने सारे वाटरफॉल्स हैं है ना, नायगरा का वाटरफॉल देखने के लिए लाखों की भीड़ होती है। गुरु महाराज उसको मजाक में बोलते हैं, क्या है वो बारिश शावर ही तो है, इससे अच्छा हमारे बाथरूम में भी शावर आता है, पर बाथरूम के शावर को देखने नहीं जाते, नायगरा के वाटरफॉल को देखने जाते हैं है ना, इतना सुंदर प्रकृति है। हम देखते हैं ये देखिए यहाँ पे इतने सुंदर भगवान के पेंटिंग्स बने हुए हैं, हमारे मंदिर में इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बने हुए हैं, पेंटिंग को देख के हमारे मन में क्या विचार आता है, पेंटिंग को देख के हमारे मन में विचार आता है, वाह कितना सुंदर पेंटिंग है, किसने बनाया है इसको, उसके बनाने वाले की तारीफ करना चाहेंगे हम, उसकी कला की तारीफ करना चाहेंगे, उसके गुण की तारीफ करना चाहेंगे, उसको सजाने वाले की तारीफ करना चाहेंगे, उसके सोच की तारीफ करना चाहेंगे। जब हम एक पेंटिंग को देख करके व्यक्ति की तारीफ करते हैं, उसको बनाने वाले उसको सोचने वाले के बारे में सोचते हैं, इतनी सुंदर प्रकृति है, इतना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर चीज़ है। जैसे आप पेंटिंग जानते हैं मोनालिसा का, पूरी दुनिया उसकी लोहा मानती है कि क्या पेंटिंग बनाया है ना, क्या पेंटिंग बनाया, आज भी उसके पेंटिंग के जैसा कोई नहीं है, है ना, पर उस पेंटिंग बनाने वाले को किसने बनाया। तो सभी के सोर्स की तारीफ हम करना भूल जाते हैं, सभी के सोर्स की तारीफ करना भूल जाते हैं।
एक बार एक महिला अपने नतनी की इतनी शो कर रही थी, सब जगह जाके अपने ऐसे ऐसे नाक दिखा रही थी, सब जगह ऐसे ऐसे नाक दिखा रही, बहुत सुंदर नथी पहन के आई थी, है ना। और एक बार क्या हुआ, गलती से कोई वेटर जा रहा था, शो पार्टी में गई हुई थी, कोई वेटर जा रहा था, वेटर का थाली लग गया उसके नाक में, लग गया उसको, और पूरा उसका शो खराब हो गया, है ना। तो वहाँ पे एक जो जो एक व्यक्ति थे, वो कवि थे, वो कवि क्या बोलते हैं कि बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं, वो स्त्री अपने नथनी की तारीफ कर रही थी, नथनी के बारे में जाके सबको दिखा रही थी, नाक की तारीफ नहीं कर रही थी। नथनी जिस पे लगाया जाता है वह नाक की तारीफ कौन करेगा, या हम ज्वेलरीज जिस पे लगाते हैं वह शरीर की तारीफ कौन करेगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम प्रकृति की तारीफ करते हैं, हम चीज़ों की तारीफ करते हैं, बट प्रकृति बनाने वाला कौन है, ऐसे परम भगवान हमारे दयालु श्री कृष्ण की जय। तो आज इस श्लोक में बताया जा रहा है प्रकृति किसने बनाया है, स्वयं श्री कृष्ण ने बनाया है, और उनकी अध्यक्षता में यह कार्य चलते रहता है, उनको प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं हम इतना दुख झेल रहे हैं, भगवान ने प्रकृति बना के छोड़ के चले गए क्या, छोड़ के चले गए हमें दुख में छोड़ के चले गए या शायद वो अपनी भगवत्ता से रिजाइन दे दिए, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान की अध्यक्षता में ही सब कुछ हो रहा है, हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है सब कुछ कृष्ण को पता है, सब कुछ हमारे स्वामी श्री कृष्ण को पता है। प्रकृति और कृष्ण में क्या रिलेशन है, मालिक और दास का यह रिलेशन है। दास जो कर रहा होता है मालिक को सब पता होता है, वो सीसीटीवी कैमरा में सब देख रहा होता है, लाइव देख रहा होता है, उनके मोबाइल में हमेशा चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है प्रकृति में जो भी हो रहा है कृष्ण को नहीं पता है, एक एक शब्द एक एक इंच पता है, सब कुछ पता होता है। एक बार अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं आप कैसे प्रकृति में सभी जीवात्माओं का पोषण कर रहे हैं, भगवान का एक नाम क्या है, भर्ता, पति को भर्ता बोला जाता है, बट कृष्ण का नाम है भर्ता, अर्थात पूरे विश्व जो है विश्व का पोषण कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण का एक नाम है जनार्दन, जनार्दन, जनार्दन का अर्थ आता है कि वो पूरे जगत का पालन पोषण कर रहे हैं, जनार्दन है वो, अर्दन कर रहे हैं। तो ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पूछे गए प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, वहाँ पे ही वो बैठे हुए थे, बोले जाओ वो पत्थर रखा है वहाँ पे नीचे में उठाओ उसको, वो शाम का समय था, बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, पत्थर उठा के क्या देखते हैं वहाँ पे काली चींटियों का झुंड है, वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हैं, तो वहाँ पे देखने को मिलता है एकदम अंधेरी काली रात थी, शाम का समय, एकदम रात का समय, उसमें भी एक पेड़ के नीचे पत्थर के नीचे चींटियाँ जो घूम रही है उनको भी उनका भोजन मिल रहा है, प्रकृति में सभी 84 लाख जीवात्माओं को उनका भोजन मिल जाता है, उनके कार्य मिल जाते हैं, देने वाला कौन है, परम भगवान श्री कृष्ण है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लिख के देते हैं क्या कौन खाएगा। तो इसी प्रकार से हर एक जीवात्मा के पालन पोषण करने वाले कौन है, कृष्ण है। तो जब ही 84 लाख योनियों का पोषण कृष्ण कर रहे हैं, और कोई भी योनि के जो भी जीवात्मा है, हम नहीं देखते हैं कि हाथी जो है सुबह सुबह उठ करके नहा धो के दांत ब्रश करके जा रहा है जॉब पे, पैंट शर्ट पहन के टाई वाई लगा के जॉब पे जा रहा है, या चीता का गाय बिल्ली कुत्ता कोई भी जानवर नहीं जा रहा है, सभी भगवान पर डिपेंडेंट है, उनको उनका भोजन मिल जाता है। अभी रात के समय में हम देखते हैं इतने सारे कीड़े उड़ रहे हैं, तो शास्त्र में बताया गया जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीवात्मा का भोजन है, एक कीड़ा दूसरे कीड़ा का भोजन है, दूसरा कीड़ा तीसरे कीड़ा का है, चौथा कीड़ा जो है छिपकली का भोजन है। ऐसे प्रकार से हम देखेंगे पूरी प्रकृति में आराम से सब कार्य कार्यरत है। तो इतनी सुंदर प्रकृति कर रही है, हमें ज़रूर सोचना चाहिए इस प्रकृति को चलाने वाला कोई होगा, इस प्रकृति को क्रियाशील रखने वाला कोई तो होगा, हमें सोचना चाहिए हु इज द मेंटेनर, हु इज द क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स। हम ऊपर देखेंगे मैक्रो वर्ल्ड, बड़े बड़े दुनिया में देखेंगे कितने सारे सैटेलाइट्स, कितने सारे मीटियोराइट्स,
चल रहे हैं, कितने सारे प्लैनेट्स चल रहे हैं साइंस के हिसाब से। कई बार साइंस बोलते रहते हैं आज ये सैटेलाइट आकर के पृथ्वी से टकरा जाएगा, कल वो सैटेलाइट, कल वो मीटियोराइट आके टकरा जाएगा, पृथ्वी नाश हो जाएगी। आज तक पृथ्वी नाश हुआ है? लोग बोल, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि सूर्य में जो हीलियम है, सूर्य का प्रकाश हीलियम से आ रहा है और हीलियम अभी ख़त्म होने वाला है, हमें जाके भरना होगा उधर हीलियम, नहीं तो सूर्य की एनर्जी ख़त्म होने वाली है। आज तक कभी ख़त्म हुआ है? सृष्टि बनाने वाले जो है कृष्ण है, उनकी सृष्टि है, वो उसका पालन करेंगे, हमेशा करते रहेंगे, है ना। वो उनकी सृष्टि है, हमेशा पालन करते रहेंगे। जैसे मेरा कोई चीज़ है, मैं उसका रखवाला करूँगा, मैं जब तक हूँ मैं उसकी रक्षा करते रहूँगा। वैसे ही प्रकृति किसकी है? कृष्ण की है, तो उसकी रक्षा कृष्ण हमेशा करते रहेंगे। तो कैसे करते हैं? आज अभी हमने इतने पाठ में सीखे कि यह जो प्रकृति है यह कृष्ण द्वारा चलायमान है और कृष्ण इसकी मालिक हैं, और कृष्ण के बारे में हमें जानना चाहिए। जब हम प्रकृति को देख रहे हैं सीधा उसके क्रिएटर, उसके मेंटेनर, उसके जो मालिक है उसका गुणगान करना चाहिए। जैसे हम जहाँ पे भी गाड़ी देखेंगे, अगर वो गाड़ी बजाज की है, हमें या कंपनी ओनर का नाम याद आएगा, अरे ये तो बजाज द्वारा है, है ना। टाटा की गाड़ी आएगी, रतन टाटा का नाम याद आएगा, है ना। कोई भी प्रोडक्ट देखते ही ओनर का नाम याद आता है, प्रोडक्ट देखते ही ओनर की तारीफ होती है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की तारीफ नहीं करेंगे, प्रोडक्ट का अपमान हो जाएगा। आप किसी प्रोडक्ट को भी अपमान कर देते हैं। अगर आप किसी जाकर के, एक बार एक व्यक्ति थे, वो उसके प्रोडक्ट को जाके अपमान कर रहे थे। प्रोडक्ट का अपमान मतलब क्या हो जाता है? ओनर क्या समझता है? मेरा अपमान किया है इसने। इवन प्रोडक्ट के लोगों का या प्रोडक्ट के सिंबल का भी अपमान कर देता है तो व्यक्ति क्या सोचता है? मेरा अपमान हो गया, झगड़ा कर देता, पूरा बवाल कर देता है उसके लिए, है ना। हम कितने सालों से भगवान की प्रकृति का अपमान करते आए हैं, हम कितने सालों से प्रकृति के सारे नियमों का तोड़ फोड़ करके उसका कचुंबर बनाते आए हैं। एक प्रकृति के एक नियम का भी हम पालन नहीं करते हैं। मनुष्यों के मेनू कार्ड में बताया गया है कि भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? पत्रम पुष्पम बलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते, क्या बोला गया है? मनुष्यों के लिए, बाकी जीव कुत्तों के लिए नहीं बोला गया है। बाकी जितने भी जीवात्माएं हैं सभी का भोजन वही है। आप गाय के सामने मांस रखेंगे, गाय मांस नहीं खाएगी, और शेर के सामने वो रोटी सब्जी रखेंगे, आपको खा जाएगा, रोटी सब्जी नहीं खाएगा वो, या तो इंतज़ार करेगा, बोलेगा तुम रोटी सब्जी खा जाओ फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। तो हर एक जीवात्मा का, हर एक कोई भी लिविंग बींग्स का अपना भोजन होता है, अपना मेनू कार्ड होता है, वो मेनू कार्ड गलती से भी चेंज नहीं करता। यहाँ तक ये बताया जा रहा है कृष्ण भागवत में, बोल रहे हैं मृत्यु चरति मत भयात्, मेरे भय से मृत्यु चरण कर रही है। आजकल एक भी, आज तक आपने एक भी नहीं देखे छिपकली को कि वो 100 साल से जी रहा है। कोई भी जीवात्मा अपने आयु से ज़्यादा नहीं जीता है, चाहे वो जीवन जीने की नियम हो, चाहे वो जीवन का अंत का नियम हो, कोई भी नियम हो, प्रकृति के नियम अटूट हैं और इसको बनाने वाले स्वयं कृष्ण हैं। जब हम इनका इतना सुंदर प्रकृति देखते हैं तो प्रोडक्ट का उल्लंघन करने से ओनर का उल्लंघन होता है। ये पूरा प्रोडक्ट, ये पूरी प्रकृति कृष्ण की है। एक चीज़ प्रकृति के एक टुकड़े का भी हम उल्लंघन करेंगे, कृष्ण का अपमान होता है। भगवान तो परम दयालु हैं, परम मित्र हैं सभी जीवात्माओं के, पर क्या सहन करने की भी सीमा होती है, सहन करने की भी सीमा होती है। भगवान सभी के मित्र हैं, सभी पे कृपा करेंगे, बट कृपा कैसे करेंगे? किसी को इंजेक्शन देकर के कृपा करेंगे, किसी को सहला के कृपा करेंगे। इंजेक्शन मतलब कठोर दवाई, दवाई देंगे, पता चल जाता है सभी जीवात्मा बेकार हो गए हैं। जैसे जेल में सजा दी जाती है, किसी को गोल्डन सेल में रखा जाता है जहाँ पे टीवी रहेगा, एसी रहेगा, जेल में एसी रहता है, टीवी रहता है, सारी सुख सुविधा रहती है, बट कोई कोई कैदी को एकदम ब्लैक सेल में भेज दिया जाता है, जहाँ ना रोशनी का एक टुकड़ा भी नहीं, पूरे रूम में चलने फिरने का कितना जगह इतना सा बस,
बस थोड़ा सा इधर इधर हिल सकते हैं, इतना छोटा सा सेल, इतना छोटा सा जगह, उसमें ही उनको रहना फिरना है। हम देख सकते हैं इस दुनिया में ही कैदियों की कैसी भूमिका होती है, कोई कैदी इतने छोटे इतना कष्ट भोगता है और कोई कैदी आराम से रहता है, है ना। तो उसी प्रकार से यह जो जेल है, यह जो पूरा जो संसार है या जेल है, हम सभी जीवात्माओं को भेजा गया है इधर, क्योंकि हमने भगवान का विरोध किए हैं। भगवान के विरोध के कारण हर एक जीवात्माओं को इस जेल में भेजा गया है, और इस जेल में कई सारे जो व्यक्ति हैं अलग अलग प्रकार की सजा भुगत रहे हैं, अलग अलग प्रकार की सजा भुगत रहे हैं। और कौन सा, जैसे जेल का केबिन होता है, केबिन, हाँ तुम्हें इस जेल में, जेल पूरा जेल को जेल ही बोलते हैं, बट जेल में कई सारे सेल होते हैं, तुमको इस सेल में डालेंगे, तुमको उस सेल में डालेंगे, तो वो सब सेल क्या है, ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर है, किसी को मनुष्य शरीर में भेजा जाता है, किसी को जानवर शरीर में, किसी को कुत्ते के शरीर में, बिल्ली चूहा के शरीर में। तो उसी प्रकार से जो नियम का है उल्लंघन करता है, जैसे मनुष्य शरीर में भेजा गया, मांस मच्छी का भक्षण कर रहे हैं या मांस मच्छी खा रहे हैं, बोलेंगे जाओ वल्चर बन जाओ, तुम मनुष्य शरीर के लायक ही नहीं हो। जीवात्मा को मनुष्य शरीर से निकाल करके कहाँ डाल दिया जाएगा, ऐसे जानवरों के ऐसे शरीर में डाला जाएगा जो कि मांस भक्षण कर रहे हैं। कोई अगर दिन रात सोते रहते हैं, उनको पोलार बियर बना दिया जाएगा। कोई अगर दिन रात नग्न अवस्था में रह रहे, अपने शरीर का सब जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पेड़ पौधे बना दिए जाएंगे। कोई अगर जिस भी अवस्था में है, भगवद्गीता में बहुत सुंदर भगवान 8वें अध्याय में इसका नियम बताते हैं, कैसे हम शरीर बदलते हैं, शरीर के बदलने का नियम बता रहे हैं। अगर आपको इस जीवन में, इस शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको आपका फेस कट पसंद नहीं है, अगर आपको आपका परिवार पसंद नहीं है, जगह पसंद नहीं है, अगला शरीर आपको अच्छे जगह पे चाहिए, यह नियम ध्यान से सुनिए। क्या नियम है शरीर छोड़ने का, दूसरा नया शरीर प्राप्त करने का क्या नियम है? अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अंतकाल, इस जीवन, पूरा जीवन क्या है, पूरा जीवन आपका एग्जाम है, पूरा जीवन एग्जाम की तैयारी करते रहनी है, फाइनल परीक्षा, फाइनल जो रिजल्ट रहेगा, फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम कब आएगा, मृत्यु के समय आएगा, मृत्यु के समय फाइनल एग्जाम आएगा। प्रकृति का क्या नियम है, मृत्यु के समय में अगर आप जिसका भी स्मरण करेंगे, जिसका भी स्मरण करेंगे, वैसा आप प्रकृति को पाएंगे, वैसा स्वभाव आपका हो जाएगा। भरत महाराज एक महान ऋषि थे, वह पूरा जीवन भर पूरे सभी भौतिक ऐश्वर्य को त्याग करके भगवान का भक्ति करते रहे, अंत में वह हिरण का स्मरण कर लिए, अगला शरीर उनको हिरण का मिल गया, भगवान का स्मरण नहीं किए। वही कृष्णा बता रहे हैं, जिस भी चीज़ का आप स्मरण करेंगे, जिस भी चीज़ की आपकी इच्छा रहेगी, वही चीज़ आप प्राप्त करेंगे। अंत में अगर आप मरते समय बोलेंगे हाय मेरा पति, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा दौलत, हाय मेरा ये वो, तो आप इसी घर में, जिस घर में आप रह रहे हैं, उसी घर में कॉकरोच बन के जन्म लेंगे, उसी घर में छिपकली बन के जन्म लेंगे। एक बहुत सुंदर कहानी आती है, जिसमें नारद मुनि आकर के एक भक्त को बोलते हैं, तुम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, चलो मैं सीधा भगवान के धाम में लेके जाता हूँ तुमको, मेरा तो पास तो सीधा वाइल्ड कार्ड एंट्री है। वो व्यक्ति बोलता है, अच्छी भक्ति करता था वो, बट वो व्यक्ति क्या बोला, अरे मेरा तो बिजनेस है, अभी मेरा अभी जस्ट अभी नवरात्रि गई है, इतना सारा प्रॉफिट हुआ है, इसका अच्छी तरह से मुझे पालन करना है, अपने सभी परिवार का पोषण करना है। तो बोले ठीक है, नवरात्रि के बाद आता हूँ। कार्तिक में आए भगवान नारद मुनि, कार्तिक में बोले अभी तो दीप जलाया ही है मैंने, अभी तो सब जगह और भी चीज़ करनी है, एडमिशन करना है, बच्चों का छुट्टी है। बोले ठीक है, थोड़े समय बाद आता हूँ। नारद मुनि कई सालों के बाद आए, उस समय उनके बच्चों का शादी हो चुका था, सब वो सेटल हो गए थे। बोले अब तो चलो भगवत धाम, आपके बच्चों सेटल हो गए, आपका सब परिवार सेटल हो गया। बोले नहीं नहीं, अभी तो बच्चों के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उनको उनके विवाह में अच्छे से हो नहीं रहा है, विवाह में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे। तो बाद में बोल रहे हम उनके, ठीक है, नारद मुनि कई समय के बाद आए, नारद मुनि जब उनके पोते हो गए तब आए थे। वो आकर के बोलते हैं अब चलो, अब पोते भी हो गए, वो अपना देख लेंगे, तुम्हारा सब काम हो गया। बोले नहीं, मेरा पोता कितना बदमाश है,
कितनी हरकतें करते रहता है, क्या इज्जत रह जाएगी पड़ोसी में, है ना। इसलिए पोते को कल्चर देने दूंगा मैं, पोता को कल्चर देना मेरी जिम्मेदारी है। तो व्यक्ति नारद मुनि ऐसा एकदम माथा पीट करके चले गए। अब कई समय के बाद आते हैं नारद मुनि, और उस समय क्या होता है, उस समय घर में कोई और रह रहा था। उस व्यक्ति से पूछते हैं, अरे वो नारायण वो जो रहते थे वो कहाँ गए? फिर फोटो टंगी हुई थी, फोटो टंगी हुई थी, पता चलता है अरे वो तो चले गए। पर नारद मुनि तो दिव्य पुरुष थे, तो वो निकल गए बाहर, घर से निकल ही रहे थे, घर के बाहर ही एक कुत्ता भौं भौं कर रहा था, भौं 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 ऐसे भौं भौं कर रहा था। नारद मुनि इसकी आवाज़ को ही देख करके समझे, क्योंकि नारद मुनि किसको देखते हैं, शरीर को नहीं देखते, आत्मा को देखते हैं। संतगण क्या होते हैं, साधु। साधु को, साधु का अर्थ क्या है, सा अर्थात सत्य वाक्य, धू मतलब काटना, गलत कार्य को काट करके सत्य वाक्य जो बोलता है वो है साधु। तो यह होते हैं शरीर को काट करके, शरीर के बंधन को काटने वाला होता है साधु। कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, कितना भी बड़ा दानी होगा, उसको फेवर में नहीं करते हैं साधु। साधु जो शास्त्र में है वो वाक्य बोलते हैं। नारद मुनि उसको बोले, अब तो मनुष्य शरीर भी तुमसे छिन गया, घर परिवार सब छिन गया, अब कुत्ते के शरीर में हो, अब क्या करना है? अभी भी मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, ऑफर लेटर दे रहा हूँ, मेरा वैकेंसी है उधर, अभी भी चलो, अभी भी वैकेंसी है। भगवत धाम में हमेशा हर जीवात्मा की वैकेंसी होती है। इतने मूर्ख होते हैं जीवात्मा, इतने ज़्यादा आसक्त होते हैं। वो कुत्ता क्या बोलता है, अरे आपको पता नहीं है मेरे बच्चे कितने ज़्यादा लापरवाह है, वो घर परिवार सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, गेट खुला रह जाता है, पीछे से चोर एंट्री कर रहे थे। मैंने एक दिन देखा था, चोर एंट्री कर रहे थे, मैंने उनको भौंक भौंक करके भगाया। ये कितना काम है यहाँ पे, पूरे घर की चौकीदारी करना मेरा काम है। नारद मुनि सिर पीट के चले गए, बोले इसका कुछ नहीं हो सकता। कई समय के बाद फिर से नारद मुनि आते हैं, वहाँ पे वो कुत्ता नहीं दिखता है। कुत्ते की आयु होती कितनी है, 5-10 साल। उसके बाद में जब नारद मुनि आए, कुत्ता नहीं दिखा, नारद मुनि जो है ऐसे रूट करके जाने लगे। उसी समय वो खेत के रास्ते से जा रहे थे, वहाँ पे ही उसी समय आवाज़ आती है, फिर देखते अरे नीचे क्या है, सांप है ना। तो सर्प की योनी में चला गया था वही जीवात्मा, जो पहले मनुष्य योनि में था। मनुष्य योनि में बार बार ऑफर लेटर मिला, भक्ति कर लो, भगवान का नाम जप कर लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बार बार भक्तगण आते रहे, बोलते रहे नाम जप कर लो, गीता भागवत पढ़ लो, भगवान का स्मरण कर लो, नहीं कर पाए। ये काम वो काम, ये चीज़ वो चीज़, फंसे रह गए। कहाँ चले गए, कुत्ते के शरीर में चले गए। जिस घर से आ सकती थी, जिस परिवार से आ सकती थी, वहीं पे जीवात्मा रह जाता है। कुत्ते के शरीर में चला गया, नहीं वहाँ से निकला। सर्प के शरीर में चला गया, वहाँ से भी नहीं निकल रहा है। नारद मुनि बड़ा कृपालु है। भक्तगण क्या करते हैं, भगवान के नियम को तोड़ के भक्त का उद्धार करेंगे। नारद मुनि जोर से चिल्लाए वहाँ पे, क्या देखो सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। और उसी के पुत्र जो उसका बेटा था, वही आदमियों को लेकर के डंडे लेकर के आता है, उस सांप को वहीं पे मार देता है। और नारद मुनि क्या करते हैं, उस जीवात्मा को लेके भगवत धाम चले जाते हैं। तो इसलिए भगवान और भगवान के भक्त हमेशा हर पल कृपालु होते हैं। हर पल जो है हर एक जीवात्मा के इच्छा के अनुसार नहीं, क्या उसके लिए सही है उसके हिसाब से कार्य करते हैं। भगवान हमें वो नहीं देते हैं जो हमें ज़रूरत है, जो हमें वो हमें देंगे। भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, बड़ी जीवन में नहीं, अगले जीवन में जब हम उसके काबिल हो जाएंगे तब उसका पूरा करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक और चीज़ बता रहे हैं। अभी तक हमने दो चीज़ों के बारे में, दो टॉपिक के, दो विषय के बारे में सुना। पहला हमने सुने प्रकृति के बारे में, प्रकृति इतनी सुंदर प्रकृति है, तो उसको देख के क्या हमें समझ में आता है, इसका कोई ना तो कोई बनाने वाला होगा, है ना। और उसके बनाने वाले कौन है, कृष्ण। श्लोक भी हमने देखे, है ना। बाकी धर्म में बताया जाता है वो देवता हैं, ही इज द फादर, आई एम द सन, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, ऐसा बोला जाता है। कृष्ण सीना ठोक के बोल रहे हैं मैं ही हूँ गॉड। तो हमें विश्वास करना चाहिए। जिस प्रकार से माता अपने पुत्र को बोलती है बेटा तेरे पिताजी ये हैं,
तो विश्वास कर लेता है, वो जाके पिताजी का डीएनए नहीं चेक करता सही में ये मेरे पिताजी है कि नहीं है, कि माता झूठ बोल रही है। उसी प्रकार से शास्त्र बता रहा है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र हमारी माता है, गुरु हमारे पिता है, ये बता रहे हैं कि कृष्ण ही पूरे सृष्टि के नियंत्रण करता है, पूरे कृष्ण ही सभी के नियंत्रण करता है, सभी के माता धाता पिता महा है कृष्ण। तो यह हम समझ सकते हैं आसानी से कि अंततोगत्वा सभी को कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और इस प्रकृति के नियम का हमने समझे, प्रकृति के नियम में सभी जीवात्मा अलग अलग जेल के सेल में रहते हैं, अलग अलग कष्ट भोगते रहते हैं। उस सेल में जो कोई व्यक्ति रह रहा है, अगर उस नियम का पालन नहीं करेगा, उसको दूसरे सेल में डाल दिया जाएगा, अर्थात दूसरे शरीर में डाल दिया जाएगा, समझ गए, दूसरे शरीर में डाल दिया जाएगा। और शरीर परिवर्तन का नियम भी समझ गए, वो भी भगवद्गीता में लिखा है। शरीर परिवर्तन का सूत्र क्या है, अंतकाल में जीवन को शरीर छोड़ते वक्त जिसका स्मरण करेंगे उस शरीर को हम प्राप्त करेंगे। जीवन काल को छोड़ते वक्त अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। और एक सुंदर सा हमने व्यक्ति का एग्जाम्पल देखे, जिसको नारद मुनि अलग अलग योनि में पकड़ते हैं और भगवत धाम लेके जाते हैं। तो यह तीन चीज़ हमने समझे, भगवान की प्रकृति, भगवान की प्रकृति का नियम और जीवात्मा इसमें कैसे रहता है, बहुत सुंदर चीज़ है ये। अभी एक और बहुत ही सुंदर विषय है जो प्रभुपाद जी इस विषय में बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है। अब इस प्रकृति में जीवात्मा कैसे फंसा हुआ है, कैसे रह रहा है, उसके बारे में हम जानते हैं। क्या भगवान प्रकृति के नियमों, भगवान ने प्रकृति के नियम बनाए हैं, तो क्या ये नियम भगवान पे भी लागू होते हैं? क्या प्रकृति के नियम भगवान पे लागू होते हैं कि सिर्फ जीवात्मा पे लागू होते हैं, इसके ऊपर हम समझेंगे। यहाँ पे बताया गया है, सुंदर सा एक श्लोक मैं फिर से दोहरा दूंगा। सत्वम रज तम आयते निर्गुणस्य गुणस्त्रयः, क्या बोला जा रहा है, सत्वम रज तम इति, प्रकृति कैसे क्रियमाण होती है, प्रकृति के तीन संचालक है, मुख्य एक संचालक है, कौन, प्रकृति का हाक, जो कमांडर इन चीफ है, जो मेन, जैसे जेलर रहते हैं जेल में, जेलर होता है वो उसका मेन होता है ना। जेल को बनाने वाले अलग हैं, वो सरकार बनाती है जेल, बट पालन करता कौन है, जेलर रहता है, जेलर को आदेश दिया जाता है उसके हिसाब से पालन करते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति को बनाने वाले तो कृष्ण हैं, बट मेंटेनर किसके हाथ में दे दिए हैं, किसके हाथ में, स्वयं शिव जी के हाथ में दिए हैं, शिव जी के हाथ में। और दुर्गा माता शक्ति जो है, यहाँ पे लिखा गया है ग्रहिता माया विभो, विभो का अर्थ क्या है, विभो मतलब परम शक्तिमान जो है, जो विभु जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत जो है, उन अनंत भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकृति की क्रियाशीलता किसको दी है, माया देवी को दी है, अर्थात दुर्गा देवी को दी है। दुर्गा देवी आप सभी देख ही रहे, नवरात्रि का समय है, दुर्गा देवी क्या हाथ में लिए रहती है, त्रिशूल लिए रहती है, त्रिशूल में रहते हैं कितने डंडे, तीन डंडे है ना। और तीन डंडे कौन है, यहाँ पे श्लोक में बताया जा रहा है, नवरात्रि है, ध्यान से सुनिए, नवरात्रि में क्या देख रहे हैं, दुर्गा देवी के हाथ में है त्रिशूल, त्रिशूल में तीन वो कांटे शूल होते हैं, वो शील कौन है, सत्वम रजः तमः इति। तो शास्त्र में सभी का आंसर आंसर दिया गया है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, यह जो प्रकृति की देवी है दुर्गा देवी, इनके तीन डंडे हैं, तीन शूल हैं, इसी से क्रियमान होती है। मतलब जितने भी जीवात्मा हैं, या तो क्या बोलते हैं, उनको लगता है, जैसे हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, कोई अगर इस व्यक्ति को इस कथा को सुन रहा होगा, अपना समय निकाल के कथा को सुन रहा होगा, तो उसे लग रहा है कि वो सुन रहा है, बड़ो नहीं सुन रहा है, प्रकृति सुना रही है उसको। हमें लग रहा है कि हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे होते हैं। कौन करा रहा है कार्य, प्रकृति कार्य करा रही है, प्रकृति क्रियमाणानि, भगवद्गीता में श्लोक लिखा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, गुणे कर्मणि सर्वशः, प्रकृति के गुण पे भ्रमित होकर के वह व्यक्ति कार्य करते रहता है। प्रकृति के गुण पे भ्रमित होकर के कोई भी व्यक्ति कार्य करते रहेगा। हम कथा सुन रहे हैं,
क्योंकि हम सत्वगुण में हैं इसलिए सत्वगुण ही कार्य करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर अभी भी अगर सोया होगा तो वो तमोगुण में है ना। नशा करके लोग सोए पड़े रहते हैं, किस चीज़ के आलस प्रमाद में फंसे रहते हैं, तमोगुण में होते हैं। सुबह सुबह उठ करके योगा करेंगे, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अपनी आत्मा का ध्यान रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो वो रजोगुण सत्वगुण में होते हैं। और सुबह सुबह उठ करके एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे और मूवी देखेंगे, इधर उधर जाएंगे, रजोगुण में होते हैं। रजोगुण का मिक्सचर भी होता है, सिर्फ ये सत्व रज तम नहीं होता है। सत्वगुण में गुडनेस, इंग्लिश में बोलेंगे उसको मोड ऑफ गुडनेस, तो गुडनेस इन पैशन होता है। मतलब सत्वगुण में है हम, पर सत्वगुण में रजोगुण का कार्य कर रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गुडनेस इन पैशन, और पैशन इन इग्नोरेंस, तमोगुण को इग्नोरेंस बोलते हैं। इसको बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल से शास्त्र में बताया जाता है। जिस प्रकार से कोई भी ये स्त्री को आप देखेंगे, स्त्री, वो स्त्री है, स्त्री को देखे होंगे, नहीं देखे फोटो में देख लीजिए, कोई भी स्त्री को, स्त्री को नहीं देखना है, स्त्री की चोटी को देखना है। स्त्री की चोटी का एग्जाम्पल है, स्त्री अपनी चोटी बनाती है, कैसे बनाती है, वो तीन निकालती है ऐसे बालों का और तीनों को ऐसे गोल 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 घुमा देती है और बहुत सुंदर सा चोटी बन जाता है, है ना। तो फिर क्या होता है, वो तीन क्या है, सत्व रज तमोगुण है, और उस प्रकृति क्या करती है, उस तीनों का गोल गोल घुमा के उसका मिश्रण बना देती है। तो सुबह कोई भी व्यक्ति इसे हमेशा सत्वगुण में नहीं रह सकता। हम देखेंगे सुबह हम सत्वगुण में, दिन में फिर हमें रजोगुण आ जाता है, गाड़ी चलाएंगे, टीवी पे जाएंगे, डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे, इधर घूमेंगे, शाम में सो जाते हैं, शाम में जो सोते हैं फिर सीधा अगले दिन उठते हैं। तो सत्व रज तम तीनों गुण का मिश्रण चलते रहता है हमेशा, हर पल मिश्रण चलते रहता है। वृंदावन जाएंगे, आंखों में आंसू आएगा, वापस से दिल्ली आकर के अपने कार्य में लग जाएंगे, वही रजोगुण वही कार्य समय लग जाएंगे, है ना। ऐसा कहा जाता है वो व्यक्ति ने भगवान का दर्शन किया ही नहीं जो वापस आके अपने काम में लग गया। परम सुंदर भगवान कृष्ण का दर्शन करके आ रहे हैं और वापस वो घृणित कार्य में लग गए। अरे भगवान कृष्ण पे थोड़ा तो भरोसा कर लो, वो आपका पूरा जीवन भर ख्याल रखेंगे, पूरा जीवन भर की लिखित गारंटी दे रहे हैं, LIC BM बीमा से भी ज़्यादा गारंटी दे रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग गारंटी कृष्ण की है। क्या बोलते हैं भगवद गीता में कृष्ण, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करेगा, योगा क्षेम वहाम यहाम, कृष्ण उसको जो चीज़ की कमी है उसकी पूरी करेंगे। कृष्ण किस बात की चिंता है, हमेशा बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम का जाप करिए, गीता भागवत पाठ करिए, दर्शन करिए, नाम जप करिए, विश्वास रखिए पालन होगा। पूरे 80 लाख जीवात्माओं का पालन हो रहा है, मनुष्यों का क्यों नहीं होगा, होगा। विश्वास रखना है। तो भगवान भगवद्गीता में कई सारे सूत्रों बताते हैं, तो क्या बता रहे हैं, प्रकृति सत्व रज तम गुण के द्वारा, उसके मिश्रण के द्वारा सभी जीवात्माओं को क्रियाशील रखती है। कैसे क्रियाशील रखती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे मैं अंत में और एंड करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, आप ध्यान से सुनिए। आप एक जगह पे जा रहे हैं, बहुत सुंदर सा जगह है, एकदम कार पे ड्राइव करते हुए जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, है पूरी फैमिली के साथ। आपका नाम क्या है प्रभु जी? राहुल। एक व्यक्ति का अपनी फैमिली के साथ कार पे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, फुल फैमिली के साथ जा रहे हैं, और अंत में अचानक क्या हो जाता है, ड्राइव करते करते थक जाते हो। राहुल ड्राइव करते करते थक गए, और थकने के बाद में क्या, वो एक जहाँ ड्राइव कर रहे थे देखे बहुत बड़ा सुंदर सा मॉल है, बोले चलो मॉल में घूम करके आते, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, है ना। ध्यान से सुनिएगा कहानी। और फिर क्या होता है, मॉल में गए और जब जाते हैं वो वहाँ पे मॉल का फ्रंट बाहर में पूरे मॉल का डिज़ाइन बना हुआ था, मॉल में क्या क्या है, कौन से फ्लोर पे क्या क्या है, इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। मॉल में थे 3 फ्लोर, ध्यान से सुनिए, 3 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। हमारा मंदिर 4 फ्लोर का बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना, उसमें 3 ही थे, है ना। तो ध्यान से सुनिए, ग्राउंड फ्लोर पे क्या लिखा हुआ था, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पार्किंग नहीं था वहाँ पे, उन्होंने क्या बना के रखे थे, क्लब बना के रखे थे, बार बना के रखे थे, बार चल रहा था वहाँ पे, बहुत सारे मदिरा पान हो रहा था, नशा पा हो रहा था, गार्ड थे, बाउंसर खड़े थे, ऐसे ऐसे बाउंसर, और उसके पेमेंट भी लिखा हुआ था यहाँ पे, इतनी रुपीज़ एंट्री की फ़ीस है। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे
एंट्री फीस भी देनी होगी, बड़ा भारी रकम चुकाना होगा अंदर जाने के लिए। और अंदर जाके क्या है, शरीर को हानि पहुंचाने वाली चीज़ें, नशा और जुआ और वापस स्त्री का गमन हो रहा है, नशापान हो रहा है, सब मांसाहार हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है वहाँ पे। उसकी वाइफ ने बोली, छी क्या गंदा का चीज़ देख रहे हो, ऊपर देखो थोड़ा, फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे क्या था, जिम था फर्स्ट फ्लोर पे, बहुत सुंदर से मूवी चल रहा था, सिनेमा थिएटर था, बहुत सुंदर खाने का चीज़ था, सब कुछ था फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे क्या सब ये सारी चीज़ें थी, और फर्स्ट फ्लोर पे ये सारी चीज़ें देख करके उसका मन आकर्षण होने लगा, उसका मन जाने का करने लगा। बट उसका जो बच्चा था वो अच्छा था, उसका अच्छा शिक्षा दिए थे, बच्चे ने बोला थोड़ा और देखिए पापा ऊपर। तो टॉप फ्लोर पे क्या था, टॉप फ्लोर पे बहुत सुंदर योगा सेंटर था, बहुत सुंदर दवाइयों का चल रहा था, बहुत सुंदर सा क्रिएटिव आर्ट का गैलरी था, आर्ट गैलरी था, और वहाँ पे बहुत सुंदर भगवान का मंदिर भी बना हुआ था, बहुत सुंदर वहाँ पे गीता क्लास भी चल रही थी। तो और फिर बाद में सब कुछ उन्होंने पढ़ लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई थी, ड्राइंग वगैरह से बना हुआ था। तीन फ्लोर में ये सारे कार्य चल रहे थे, आपने सब समझ गए तीन फ्लोर पे क्या कार्य चल रहा था। अब राहुल कहाँ जाएगा, कौन से फ्लोर पे जाएगा, अभी वो ड्राइविंग करके आया है, गाड़ी थक गया है, अब वो कौन से फ्लोर पे जाएगा, कौन से फ्लोर पे जाएगा, है ना। हाँ, अब इसका आंसर कोई भी दे सकते हैं, कोई बोलेगा कि हमें समझाने के लिए, आप दिखाने के लिए बोल देगा, हाँ चलो फर्स्ट टॉप फ्लोर पे जाएंगे, है ना। पर फर्स्ट फ्लोर पे मूवी चल रही थी, अभी लेटेस्ट रिलीज हुई वाली मूवी, है ना, कौन कोई तो हिट एक्टर है, है ना, हिट एक्टर, उसकी मूवी चल रही है फेमस। तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा डिपेंड करेगा, कोई आंसर इसका फिक्स आंसर नहीं है। नीचे भी जा सकता है, अगर वाइफ नहीं रहेगी तो नीचे चला जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे चला जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे चला जाएगा, सेकंड फ्लोर पे चला जाएगा। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, कहाँ जाएगा कैसे डिपेंड, क्या आंसर होगा इसका, जहाँ उस समय जो उसका मूड होगा वहाँ जाएगा। तो हर समय हर एक व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है, कैसे उस समय वह प्रकृति उससे जो कार्य कराती है उस पर, प्रकृति उससे कार्य कराएगी उस समय क्या होगा, उस समय उसके मन में जो विचार आएगा, पिछली अगर उसका ऐसा विचार आया होता कि पिछली बार मैं योगा किया था, मेरे शरीर को योगा की ज़रूरत है, मैं मंदिर कई समय से नहीं गया हूँ, मुझे मंदिर जाना है, अच्छा हुआ मैं थक गया हूँ, जाके मंदिर में बैठता हूँ, थोड़ा मन शांत हो जाएगा, तो बिना सोचे समझे बिना झिझक के टॉप फ्लोर पर जाएगा, है ना, लिफ्ट ले करके टॉप फ्लोर पर जाएगा, जो उसको रोकने वाले लोग आएंगे उनको हटा के टॉप फ्लोर पे जाएगा। पर अगर उसके मन में यह विचार नहीं आया, सत्वगुण वाला विचार नहीं आया, मूवी देखने का विचार आ गया, उसको उसके दोस्त ने थोड़ी देर पहले ही व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा होगा, बहुत अच्छी मूवी है, चलो जिम करते हैं, खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाएंगे, तो वो रजोगुण में हो गया, वो फर्स्ट फ्लोर पर जाएगा। और या दारू पीने की इच्छा हो गई, मांस भक्षण करने की इच्छा हो गई, जुआ खेलने की इच्छा हो गई, तमोगुण में ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हर समय कार्यरत होते हैं, हर समय हर एक जीवात्मा को परेशान करते रहते हैं, इसी प्रकार से वो जीवात्मा इस संसार में फंसा रह जाता है, हमेशा फंसा ही रहेगा। कोई भी जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता, इसी में वह फंसा रह जाता है, कोई भी जीवात्मा हमेशा इसी में फंसा रह जाएगा। बहुत सुंदर यह है, हमेशा समझना है। और इससे निकाल सकता कौन है, ज्ञान का तलवार, ज्ञान के तलवार से ही हम इस चीज़ को काट सकते हैं। जब तक उसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होगी, जब तक उसको साधु संग नहीं मिला होगा, जब तक उसने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के मंत्र का जाप नहीं किया होगा, जब तक वो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन नहीं किया होगा, जब तक भगवान के मंदिर में दान नहीं किया होगा, साधु संतों का दान नहीं किया रहेगा, वो विचार ही नहीं आएगा उसको, और वो सत्वगुण को छोड़ के रजोगुण तमोगुण में चला जाएगा। तो इसीलिए हमेशा हमारे पास ऑप्शन होता है, हम सत्वगुण को चुने, रजोगुण को चुने कि तमोगुण को चुने, और जैसा हम चुनेंगे वैसे कर्म बंधन में हम फंसते चले जाएंगे, वैसा हमारा कर्म बंधन होते चले जाएगा, और भगवान का इसमें कोई भूमिका नहीं है। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ कुछ हादसा हो गया, पुलिस रेड मार दी, पुलिस जेल में चले गए, तो भगवान को दोष नहीं देना, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तुम खुद गए वहाँ पे। हमारे हर कार्य का जिम्मेदार हम खुद होते हैं। भगवान का रोल क्या है,
भगवान उपदृष्टा अनुमंता च, भगवान देखते रहते हैं सिर और अनुमति देते रहते हैं, जो करना है करो, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। तो इस तो यहाँ पे अमंत करते हैं प्रकृति, यहाँ पे बहुत सुंदर सा हमें बता रही है कैसे प्रकृति क्रियामान होती है। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, आप सभी लोग प्रकृति के, हम सभी लोग प्रकृति में बंधे हुए हैं, मुझे आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए इस प्रकृति के बंधन से निकाल सकें। प्रकृति के बंधन से निकलने का एकमात्र उपाय है ये प्रकृति जिसकी है उसके शरण में चले जाओ। माया मेताम तरंती ते, कृष्ण ही इस प्रकृति के बंधन से निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई